क्वेश्चन नंबर नाइन इफ द टेंजेंट ऑफ द इलिप्स एट पॉइंट दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू इच अदर मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट्स हैं इलिप्स पे वो क्या हैं परपेंडिकुलर हैं तो पहली बात कि ये पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो हो जाएगा एक इक्वेशन तो फोर ए स्क्वायर एक इक्वेशन तो ये हो गया दूसरी बात वन कॉमा को लेके टी बराबर लिख दीजिए वो इक्वेशन कितना आ जाएगा फोर एक्स इंटू एक्स वन एक्स वन की बात करूं तो वन प्लस वाई इंटू वाई वन वाई वन की बात करूं तो टू बराबर आठ इसकी स्लोप की बात करूं एम वन की एम वन की बात करूं तो इसका एम वन आ रहा है माइनस टू माइनस फोर एक्स डिवाइड बाई टू नाउ ए बी को यदि पॉइंट मान के टी बराबर जीरो लिख दू उससे इक्वेशन क्या आ जाएगा फोर एक्स ए प्लस वाई इंटू बी बराबर आठ यहां से एम टू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस फोर ए बाई बी आर परपेंडिकुलर एम वन एम टू विल बी माइनस वन सही जा रहे यदि एम वन एम टू माइनस वन होगा तो माइनस टू इन टू माइनस फोर ए बाई बी इक्वल टू माइनस ए यहां से b इक्वल टू क्या आ गया माइनस एट इक्वल टू यदि आ वैल्यू तो बी स्क्वायर की तो जगह पे एटे चौसठ स्क्वायर प्लस चार अड़सठ स्क्वायर बराबर आठ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई आठ बटे अड़सठ चार से डिवाइड करने की बात करूंगा तो चार दो सत्रह चौके अड़सठ दो बटे सत्रह इज द रिक्वायर्ड आंसर सही है